आज हमारा टॉपिक है चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी मतलब कोई भी ऐसा एक ऐसी अवस्था आना, कोई ऐसी दुर्घटना होना जिसके कारणवश चेस्ट जो है उसमें घाव हो जाता है या उसमें इंजरी हो जाती है। ओके, सो चेस्ट में जो इंजरी है वो चेस्ट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, उनके मसल्स, उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, किसी भी एक स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एक कंडीशन जहाँ पे चेस्ट में या चेस्ट में जो ऑर्गन्स हैं उनमें कोई भी अगर घाव आ जाता है, कोई भी नुकसान होता है, तो उस कंडीशन को हम चेस्ट इंजरी कहते हैं। ओके, चेस्ट इंजरी कैसे हो सकते हैं, एटियोलॉजी या कारण क्या हो सकते हैं चेस्ट इंजरी के, किसी भी वाहन से एक्सीडेंट हो जाना, फोर व्हीलर हो गया, टू व्हीलर हो गया, उस वाहन जैसे टू व्हीलर बाइक वगैरह है तो उससे गिर जाना, उसकी वजह से चेस्ट इंजरी हो सकती है। फोर व्हीलर की अगर हम बात करें तो एकदम से किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में या ब्रेक जब लगाना पड़ता है उस कंडीशन में चेस्ट आके, अगर सीट बेल्ट नहीं वियर किया है तो चेस्ट आके जब स्टीयरिंग पे जब बैंक करते हैं तो उसकी वजह से भी चेस्ट और चेस्ट में जो रिब्स हैं उसमें इंजरी हो सकती है। ओके, तो ये तो हो गया फोर व्हीलर टू व्हीलर एक्सीडेंट्स के बारे में। इसके अलावा कोई मारपीट हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, किसी कारणवश किसी ऊंचाई से अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसका उस कंडीशन में भी हो सकता है कि उनकी चेस्ट में रिब्स में इंजरी आ सकती है। ये सारे कंडीशन ज़्यादातर होते हैं जिनकी वजह से इंजरीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के चेस्ट इंजरीज होते हैं, तो चेस्ट इंजरीज नॉर्मली हम अगर कहें तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है ब्लंट और एक होता है पेनिट्रेटिंग। ब्लंट का मतलब होता है कि ऐसा घाव जिसमें अंदर की तरफ एक प्रेशर लगा हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर की तरफ लगने की वजह से ब्लड वेसल्स मसल्स में इंजरी आई है, लेकिन कोई भी चीज़ बाहर से चेस्ट की तरफ एंटर नहीं करी है। ओके, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है जब बाहर से कोई चीज़ चेस्ट में एंटर कर जाती है, जैसे किसी एक, जैसे हमने कहा था कि किसी ऊंचाई से गिरे या किसी पर्टिकुलर एक हाइट से जब गिरे तो वहाँ अगर कोई कांच या कोई ऐसा चीज़ हो तो कांच का चेस्ट कैविटी के बाहर से चेस्ट के अंदर एंटर कर जाना, गोली अगर लग जाती है, बुलेट अगर फायरिंग वगैरह में, गन शॉट वगैरह में तो बुलेट एंटर कर जाता है अगर चेस्ट कैविटी में, तो वो पेनिट्रेटिंग है। चाकू या ऐसा कोई भी जो शार्प वेपन होता है वो अगर एंटर कर जाए, तो अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर एंटर कर गई है तो वो पेनिट्रेटिंग हो गया, और एंटर नहीं करी है अगर वो अंदर प्रेशर की वजह से दब गया है और वहाँ इंजरी हुई है तो उसको हम ब्लंट कहेंगे। रिब्स का टूट के अंदर की तरफ लंग्स में खरोच करना भी, वो भी पेनिट्रेटिंग ही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम उसमें और डिटेल में बात करें तो हम इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं चेस्ट इंजरी को। फर्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट कंट्यूशन। कंट्यूशन ज़्यादातर एक ब्लंट इंजरी को कहा जाता है जब किसी प्रेशर की वजह से कोई एक ऑर्गन या स्ट्रक्चर या कैविटी अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, उसमें बाहर से कोई खरोच या ब्लीडिंग नहीं नज़र आती होगी या कोई छिला हुआ सा नहीं दिखता होगा, लेकिन अंदर जो है मसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो चेस्ट में ऐसी एक इंजरी होना चेस्ट कंट्यूशन कहलाएगा। उसके ऑपोजिट में अगर वहाँ पे बोन्स टूट जाते हैं तो वो बोन रिप्स हैं तो उसको हम कहेंगे रिब फ्रैक्चर। तो रिब फ्रैक्चर नहीं होता है और इंजरी लगी है तो ज़्यादातर वो कंट्यूशन है। और कंट्यूशन का ऑपोजिट क्या आता है, जब कोई चीज़ टूट जाती है, जब ओपन में कोई घाव हमें नज़र आते हैं तो वो रिब फ्रैक्चर में आएंगे। ओके, इसके अलावा ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स है। न्यूमोथोरैक्स का मतलब है कि प्लूरल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा एयर चला जाना जो नॉर्मली नहीं होता है। प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड जो है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन एयर नहीं होता। लेकिन अगर कोई घाव की वजह से एयर एंटर कर जाए ये प्लूरल कैविटी में तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, जो ट्रॉमा की वजह से हुआ है। न्यूमोथोरैक्स किसी भी कारणवश हो सकता है, लेकिन अगर ये एयर किसी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से हुआ है, किसी दुर्घटना की वजह से हुआ है, तो उसको हम ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है मायोकार्डियल कंट्यूशन। मायोकार्डियल कंट्यूशन हार्ट के मसल में अंदर की तरफ प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट के मसल में इंजरी हो जाना मायोकार्डियल कंट्यूशन कहलाएगा, जो फोर व्हीलर एक्सीडेंट्स में या फॉल वगैरह के कंडीशन में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी कंट्यूशन। इसमें भी वही है कि बाहर से लंग्स
कि जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे कोई खरोच या स्कार्स नहीं नज़र आएंगे, लेकिन अंदर की तरफ प्रेशर पड़ने की वजह से जो लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो वहाँ पे ख़राब होके या रपच्चर होके इंजरी होके वो वहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि कितने प्रकार के चेस्ट इंजरीज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षण में बहुत ज़्यादा पेन होता है जब चेस्ट इंजरी होती है, चाहे वो पेनिट्रेटिंग हो चाहे वो ब्लंट हो। तो उस कंडीशन में पेन होगा, सांस लेने में पेन होगा, बॉडी जब हिलती है तब पेन होगा, उसी के साथ साथ खाना खाते वक्त पेन होगा। ये जहाँ भी चेस्ट की कैविटी की मूवमेंट की बात आती है वहाँ पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं चेस्ट में। और चेस्ट में ज़्यादातर अगर पेनिट्रेटिंग या रिफ्रैक्चर वगैरह हैं तो पेन बहुत ज़्यादा नुकीला टाइप का होता है। इसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, जो बोलने में प्रॉब्लम आती है। बहुत अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है घाव की वजह से तो इन्फेक्शन के साथ साथ फीवर होने के चांसेस हैं, कफिंग होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं उन लोगों में जिनको चेस्ट इंजरी होती है। चेस्ट इंजरी की वजह से अगर ब्लीडिंग हो चुकी है तो उस कंडीशन में एनीमिया होने के, शॉक में पेशेंट के जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या जांच करा सकते हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं एक बार और हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ है। उसके बाद सबसे पहले एक्सरेज किए जाते हैं, उसके आगे सीटी या एमआरआईज भी किए जाते हैं। इसके अलावा थॉरो एक ब्लड चेकअप किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अलावा जो लंग का फंक्शन टेस्ट है वो किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली की जाती हैं ये जानने के लिए कि उस पेशेंट का कंडीशन कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट, हम फार्माकोलॉजिकली या नॉन फार्माकोलॉजिकली, मतलब दवाइयाँ देखकर या बिना दवाइयों की कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दवाइयों की मदद से जैसे एंटीबायोटिक्स देना, चाहे इन्फेक्शन हो या नहीं हो, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक वुंड है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर हो जाते हैं तो वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरीज या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि म्यूकस भर जाता है, तो उस कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर्स, डिकंजेस्टेंस देने के चांसेस हैं। उसके अलावा म्यूकोलाइटिस दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेमेशन है तो कोल्ड थेरेपीज़ या कोल्ड स्पंजिंग भी किया जा सकता है ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर रिब का फ्रैक्चर हुआ है तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। नीमोथोरैक्स है तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पस या म्यूकस भर गया है तो उसको निकालने के लिए, ब्लड अगर इंटरनल हेमरेज है तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए, तो जिस तरीके भी की भी प्रॉब्लम हुई है तो सर्जिकली उसे करेक्ट करने के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है। लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव है, अगर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो प्री ऑपरेटिव में हम पेशेंट का जितना भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके जो कंडीशंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एक्सेस करते हैं। उनके जो पोजीशन है वो सब चीज़ें एक्सेस करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम ये देखते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबली पोजिशनड हैं या नहीं हैं, उनके वाइटल्स कैसे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो किस तरीके का फूड ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट, ये सारी चीज़ें देने की हम कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्पायरोमेट्रीज यूज़ कराते हैं ताकि वो काफ़ी बाद में, ताकि जो लंग्स का फंक्शन है वो वापस ठीक हो जाए। तो ये था चेस्ट इंजरी के बारे में। कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे चेस्ट में कोई घाव या इंजरी हो जाती है उसे हम चेस्ट इंजरी कहते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।